इसराइल हमास युद्ध के बीच ईरान समर्थित हिजबुल्ला लड़ाकों ने जबरदस्त तांडव मचा रखा है। लेबनान बॉर्डर से इसराइल की ओर लगातार बमबारी हो रही है। गाजा में फंसे इजरायली बलों को लेबनानी प्रतिरोध से भी जूझना पड़ रहा है। इसराइल के आतंकी संगठन हमास पर हावी होने से हिजबुल्ला ने हमले भी तेज कर दिए हैं। इससे लेबनानी समूह हिजबुल्ला और इसराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। हिजबुल्ला आतंकी संगठन ने इसराइली सीमा पर रॉकेट्स की बौछार की है। यही वजह है कि लेबनानी प्रतिरोध का गाजा में इजरायली बलों के खिलाफ भीषण ऑपरेशन लगातार जारी है। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ 8 अक्टूबर को ऑपरेशंस की ऐसी झड़ी लगा दी कि अब समूह ने ऑपरेशन नवंबर 2000 की भयंकर फुटेज जारी कर इजरायली खेमे में हलचल मचा रखती। लेबनान के चरमपंथी समूह ने दावा किया कि उनका प्रतिरोध के समर्थन करने के साथ साथ लेबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में ये ऑपरेशन जारी है। हिजबुल्ला ने बताया कि उसने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल कर दक्षिणी लेबनान के ऊपर एक इजरायली हरमीर्स 900 ड्रोन को मार गिराया। हिजबुल्ला की ओर से जारी वीडियो फुटेज में एक थर्मल कैमरे से ये दिखाने की कोशिश की गई कि जब लड़ाकों ने इजरायली हरमीर्स 900 ड्रोन की निगरानी शुरू की और फिर एक मिसाइल से इजरायली ड्रोन को निशाना बनाया गया। इससे पहले कि इजरायली निगरानी ड्रोन हवा में ही जलकर राख हो जाता, उससे पहले ही लेबनानी इलाके में तबाह हो गया। दक्षिणी इलाके में लेबनानी नागरिकों ने भी इस खौफनाक मंजर को अपने कैमरों में कैद कर लिया, जिसमें देखा जा सकता है कि ड्रोन हवा में हिजबुल्ला की मिसाइल का शिकार हो गया और आग की चपेट में आ गया। इसके बाद इजरायली ड्रोन नीचे की ओर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ी इलाके में गिरे ड्रोन से काले धुएं का गुबार उड़ता दिखाई दिया। फिर हिजबुल्ला लड़ाके ड्रोन के मलबे को दिखाते दिखाई दिए। वीडियो में विशालकाय इजरायली ड्रोन धू धू कर जलता दिखा और उसका काफी हिस्सा राख बन गया था। दावा किया जा रहा है कि इजरायली ड्रोन को दक्षिणी लेबनान शहर डेर किफा के ऊपर मार गिराया गया था। मालूम हो कि बीते अप्रैल महीने में इजरायली मीडिया ने पहली बार खुलासा किया था कि हिजबुल्ला लड़ाकों ने इजरायल को हमीर्स 900 ड्रोन को मार गिराया था। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दूसरी बार है जब इजरायली ड्रोन हिजबुल्ला का शिकार हुआ है। इजरायली न्यूज़पेपर हॉरेट्स ने दावा किया कि हिजबुल्ला के एयर डिफेंस सिस्टम अब इजरायली ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। इसमें न सिर्फ कोचाव बल्कि एक जिक्र ड्रोन भी शामिल है, जिससे हमीर्स 450 ड्रोन के रूप में जाना जाता है। इसे फरवरी में हिजबुल्ला लड़ाकों ने मार गिराने का दावा किया था। बताया जाता है कि हमीर्स 900 को कोचव भी कहा जाता है। इजरायली डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम ने इसका डिजाइन बनाया। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खुफिया निगरानी और हवाई ISTAR मिशनों के लिए किया जाता है। ये 15 मीटर के पंखों वाला एक मीडियम हाइट वाला मानव रहित हवाई वाहन है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 1180 किलोग्राम है। इजरायली एयरफोर्स के स्क्वाड्रन 166 की ओर से ऑपरेट होने वाले हमीर्स 900 का वजन 970 किलोग्राम है। इसका अधिकतम पेलोड वजन 350 किलोग्राम है और ये अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हमीर्स 900 एक बार में करीब 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके जरिए ये लंबी अवधि के मिशनों को आसानी से ऑपरेट करने में सक्षम होता है। गौरतलब है कि हमीर्स 900 ने साल 2012 में इजरायली एयर डिफेंस में अपनी सेवाएं देनी शुरू की थी, जिसे साल 2014 में गाजा पर इजरायली युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था। यह हेरॉन टीपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा मानव रहित टोही विमान है, जिसे ईटन के नाम से भी जाना जाता है।